विजय दिवस रे वीर जवान को मने पकाइले प्रधानमंत्री। सेहिपरि पापी पाकिस्तान रो असल चेहरा को पुणी मने पकाई देछंती मोदी। कारगिल युद्ध पूर्वरु भारत सुसंपर्क लागि चेष्टा करूथिला, किंतु दुष्टों को भली बिना कारण रे शत्रुता करथिला पाकिस्तान, भारत को पछपटु छुरी भुसीथिला। सेहिपरि कारगिल युद्धर शहीद जवान को विषय रे पढ़ा देशवासी को अनुरोध कर प्रधानमंत्री। गैलेंट्री अवार्ड डॉट गवर्नमेंट डॉट इन वेबसाइट को विजिट करने अधिक रु अधिक शेयर करने को कहिछंती मोदी। 21 साल पहले आज के ही दिन कारगिल के युद्ध में हमारी सेना ने भारत की जीत का झंडा फहराया था। साथियों, कारगिल का युद्ध जिन परिस्थितियों में हुआ था वो भारत कभी नहीं भूल सकता। पाकिस्तान ने बड़े बड़े मंसूबे पालकर भारत की भूमि हथियाने और अपने यहां चल रहे आंतरिक कलह से ध्यान भटकाने को लेकर दुस्साहस किया था। भारत की मित्रता के जवाब में पाकिस्तान द्वारा पीठ में छुरा थोपने की कोशिश हुई थी, लेकिन उसके बाद भारत की वीर सेना ने जो पराक्रम दिखाया, भारत ने अपनी जो ताकत दिखाई, उसे पूरी दुनिया ने देखा। सेहिपरी आत्मनिर्भर भारत कथा दोहराई छंती प्रधानमंत्री। देशर लोक किभली आत्मनिर्भर होई छंती से विषय रे देशवासी को अवगत करिछंती। चलित वर्ष कठिन परिस्थिति रे भलो प्रदर्शन करितिबा छात्र छात्रीं को सह कथा होई शुभेच्छा जणाईथिले प्रधानमंत्री। इतने अच्छे परिणाम के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। और आपको तो इन दिनों टेलीफोन लेते लेते भी आप थक गई होगी, इतने सारे लोगों के फोन आते होंगे। जी सर। और जो लोग बधाई देते हैं वो भी गर्व महसूस करते होंगे कि वो आपको जानते हैं। आपको कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है, पेरेंट्स को प्राउड फील करा के खुद को भी इतना प्राउड फील हो रहा है। अच्छा, ये बताइए कि आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा कौन है? सर मेरी मम्मी है सबसे बड़ी प्रेरणा तो मेरी। देशरे कोरोना स्थिति नहीं मोदी कहिचंती, आम देशरे कोरोना आक्रांतों को सुस्थता हार अन्य देशमानों को तुलना रे भलो, आम देशरे मृत्यु हार मध्य अन्य देश तुलना रे बहुत कम रहिची। आमे लक्ष लक्ष लोकों को जीवन बचाइबा को सक्षम, किंतु कोरोना वायरस विपद एपर्यंत टळी नाही। एहा देशर अनेक अंचल रे द्रुत गति रे व्यापुची, तेणु आमको सजाग रहिबा आवश्यक। लॉकडाउन नियम कोहल होईची, किंतु एबे आमे सतर्क रहिले कोरोना को हराई पारिबा। पिछले कुछ महीनों से पूरे देश ने एकजुट होकर जिस तरह कोरोना से मुकाबला किया है, उसने अनेक आशंकाओं को गलत साबित कर दिया है। आज हमारे देश में रिकवरी रेट अन्य देशों के मुकाबले बेहतर है, साथ ही हमारे देश में कोरोना से मृत्यु दर भी दुनिया के ज्यादातर देशों से काफी कम है। निश्चित रूप से एक भी व्यक्ति को खोना दुखद है, लेकिन भारत अपने लाखों देशवासियों का जीवन बचाने में सफल भी रहा है। लेकिन साथियों, कोरोना का खतरा टला नहीं है, कई स्थानों पर यह तेजी से फैल रहा है। हमें बहुत ही ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। हमें ये ध्यान रखना है कि कोरोना अब भी उतना ही घातक है जितना शुरू में था, इसलिए हमें पूरी सावधानी बरतनी है। आगो को राखी पूर्णिमा थिबारु देशवासी को शुभेच्छा जणाइछंती प्रधानमंत्री। सेहिपरि अगस्त 7 रे जातीय हस्तंत दिवस, एही अवसर रे स्वदेशी जिनिस व्यवहार करबा पई देशवासी को आह्वान करिछंती प्रधानमंत्री। ब्यूरो रिपोर्ट द अर्गस डॉट इन।